कार्यक्रम देखिए जम्मो भाई बहनी ला राम राम। संगवारी हो रायपुर राजधानी ले चल के भिलाई ला पार करके मड़ौदा ग्राम पहुँचे हैं और वहाँ एक महान कलाकार पंथी के सम्राट पद्मश्री डॉक्टर राधेश्याम बारले जी रिथे। हम ओकर से मिले जाथन, स्वच्छता ही सेवा है ए विषय में हम ओकर से चर्चा करब। कहते हैं स्वच्छ शरीर में ही स्वच्छ मन में ही ईश्वर का वास होता है। अपने आसपास की जगह को स्वच्छ रखना, लोगों को जबरदस्ती नहीं बल्कि प्रोत्साहित करना स्वच्छता की एक सुंदर आदत है जो किसी के भी जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकती है। सभी प्रकार की स्वच्छता का समान महत्व है। कहते हैं ना कि स्वच्छ शरीर और मन में स्वयं ईश्वर वास करते हैं, उसी प्रकार अच्छे मन और दृढ़ संकल्पित होकर समाज कल्याण के लिए सोचना ईश्वर की आराधना करने की ही समान है। छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र सत्य की आराधना करने वाले, मृदंग की थाप पर लोक नृत्य संग झूमने वाले छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र पद्मश्री राधे श्याम बारले जी केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं समूचे भारत देश में स्वच्छता पर संदेशा दे रहे हैं। पंथी नृत्य करते हुए अन्य लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि वे आसपास स्वच्छता बनाए रखें। राजधानी रायपुर से चल के भिलाई स्टील प्लांट ला पार करते हुए हम ग्राम मड़ौदा आ गए और मड़ौदा ग्राम में महान कलाकार रिथे, पंथी सम्राट रिथे पद्मश्री डॉक्टर राधेश्याम बारले जी। हम उकर से गोड़ बात करे भर हम अनाए हैं। लुप्त होती लोक नृत्यों में से एक पंथी नृत्य को विश्व पटल तक पहुंचाने वाले छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र पद्मश्री राधेश्याम बारले जी हमारे राज्य छत्तीसगढ़ के गौरव हैं, जिन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। राष्ट्रीय सद्भावना और एकीकरण, सामाजिक समरसता, सत्य अहिंसा और बाबा जी के अमृत वाणियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने और देश प्रेम की भावना जागृत करने वाले पूर्वजों के धरोहर कला संस्कृति को जीवित रखने के लिए गुरु घासीदास बाबा जी की पावन संदेश को विश्व बंधुत्व को सार्थक अर्थ प्रदान करने वाले राधे श्याम बारले जी हमारे देश के गौरव हैं। संगवारी हो, आज हम आए हैं ग्राम मड़ौदा में महान पंथी कलाकार यानी पंथी सम्राट से मिले बर आए हैं पद्मश्री डॉक्टर राधेश्याम बारले जी। हम उकर निवास में आए हैं, हम उकर से गोट बात करबो। बारले जी राम राम, जय सतनाम। राम राम, जय सतनाम। बारले जी आप बताते हो कि आप अतिक बड़े महान हस्ती हो छत्तीसगढ़ के, जौन पंथी ला लेकर के बाबा गुरु घासीदास के संदेश ला लेकर के केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेश तक के यात्रा करे हो, तो आप बताते हो आपके बचपन से यात्रा कैसे शुरू करे? मोर गृह ग्राम जन्म स्थान हरे ग्राम खोला, तहसील पाटन, जिला दुर्ग के मैं निवासी हरा। वहाँ मैं पले बढ़े हैं। स्वर्गीय श्री समारू राम बारले मोर पिताजी हरे और माता श्रीमती स्वर्गीय गेंदी बाई बारले मोर माता जी के कोख में पले बढ़े हैं गाँव खोला में। वहाँ से सन 1978 में मैं पंथी नाचे के काम चालू करे हूँ। हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग अर्जुन महेश्वरी जी, रजौ चतुर्वेदी जी, ये मन है हमारे पंथी सिखा के काम करे से। पहले हमारे मन के पास साधन संसाधन नहीं रहे के कारण हमने पहले ढोलक से पंथी बजा के गा के चालू करे हैं। वो दरमियान में हमने रुपया रुपया कौड़ी कौड़ी जोड़ के और कलेक्शन करके चंदा करके छेरा कूट के ओवर धान के जन पैसा रही से बेच के हमन हाँ धान ला बेच के मांदर धान झुमका खरीदे के काम हमन करे हन। और वहाँ से हमारे पंथी चालू करे हन। गांव के पास में 8-10 किलोमीटर हमारे गांव से पड़ते गांव खोला से गांव बोदल रजौली गुंडरदी के पास में है। वहाँ आनंद चौदस के दिन गणेश चतुर्थी पक्ष में हम पहली पंथी गा के चालू करे हन। वहाँ साहू समाज के बस्ती हरे और एक भी हमारे सतनामी समाज के नहीं से, लेकिन गणेश चतुर्थी के समय हमारे पंथी के विशेष मांग रही से वो मांगला हमन पूरा करें। और शहर से ही हमन अपन बिना पैसा कौड़ी के चढ़ोतरी में एक ठो नारियल में पंथी गीत गा के गांव बोदल से मन चालू कर रहे हैं। सत्य नाम की महिमा मंडित कर गुरु घासीदास बाबा जी के संदेश को विश्व तक पहुँचाने वाले, स्वच्छता का संदेश देने वाले, लोक नृत्य में अपना जीवन समर्पित करने वाले पद्मश्री राधेश्याम बारले जी का जन्म 9 अक्टूबर 1966 को हुआ।
ग्राम खोला पोस्ट धमना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में, जिन्होंने 1978 से पंथी नृत्य की शुरुआत की। लोक नृत्य पंथी के जरिए गुरु घासीदास बाबा जी के संदेश को लोगों तक पहुंचाने का कार्य वे करते रहे हैं, न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि समूचे भारत देश में पद्मश्री राधेश्याम बारले जी पहुंचाते रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मैदानी पठारी इलाके में मंची प्रस्तुति देने के अलावा वे देश के कोने कोने में मंची प्रस्तुति दे चुके हैं, जिसमें वे पंथी नृत्य और गीत के माध्यम से लोगों को विभिन्न प्रकार का संदेश देते हैं। आपकी पढ़ाई किसी ढंग से हुई और पढ़ाई के साथ साथ आप पंथी किसी ढंग से करत रहे हो, और कहाँ कहाँ पंथी मतलब शुरुआत में करे हो? मैं प्राथमिक शिक्षा हमारे गांव के प्राइमरी स्कूल गांव खोला में हुई से, और जैसे सातवीं आठवीं पढ़े 9 साल उम्र से मैं पंथी ल सीखे हैं, और बचपन में पंथी के साथ साथ में पढ़ाई के साथ साथ में पढ़ाई पहली से पांचवी तक हमारे गांव खोला में हम पढ़े लिखे हैं। उसके बाद 5 किलोमीटर पैदल चल के बटरेल स्कूल जाते हैं, जागृत उच्चतर माध्यमिक साला बटरेल में हम पढ़ाई के काम करे हैं, जहां हमारे शासकीय स्कूल में 8वीं तक हुई से, और 9वीं से 10वीं तक 9वीं और 10वीं हम जागृत उच्चतर माध्यमिक हायर सेकेंडरी स्कूल बटरेल से शिक्षा ग्रहण करे हैं। फिर भी से अपन पंथी ला हम लगातार निरंतर जारी रखे हैं। फिर 11वीं 12वीं हम नेशनल स्कूल दुर्ग से करे हैं, और अंत तक पंथी हमारे साथ नहीं छूटे। पंथी ले बहुत सहज सरल के साथ में हम साधे के और साधे संवारे के प्रैक्टिस के साथ में चालू कर रहे हैं। फिर शिक्षा के बढ़ोतरी हुए से हम बायोकेमिक सिस्टम से पत्राचार के माध्यम से हम MBBS करे हैं, और MBBS करके 1992 से लेके 95 तक के हम घूम घूम के पहली प्रैक्टिस भी करन, वही बीच में पंथी भी नाचन। लेकिन जब 1994 में शादी के बाद में हम दवाखाना खोलें मरोदय स्टेशन में, और गरीब जनता मन के सेवा करे के काम हम करे हैं, और साथे साथ में यहाँ से डेली 7 बजे बंद करके पंथी के प्रैक्टिस करे पर हम गांव खोला यहाँ से 35 किलोमीटर निरंतर हम लोग सफ़र करके जाना रहा, रोज़ के प्रैक्टिस में जावन हम प्रयास करें कि पंथी लेके अच्छा नया मुकाम दिया जाए, और पंथी के माध्यम से संत शिरोमणि परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास के उपदेश संदेश और का जीवन दर्शन ला जन जन तक पहुँचा के काम हमारे पंथी नृत्य खोला के टीम करी से। कहते हैं एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा कलाकार बन सकता है, और जब इतने अच्छे कलाकार इतने अच्छे कार्य करें तो उन्हें प्रोत्साहन क्यों ना मिले। 9 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में भारत सरकार द्वारा महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पद्मश्री का सम्मान राधेश्याम बारले जी को दिया गया। राज्य अलंकरण सम्मान की बात की जाए तो 2012 को गुरु घासीदास सामाजिक चेतना एवं दलित उत्थान का सम्मान महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा भी उन्हें दिया गया है। 2016 और 2008 में भी राज्य अलंकरण पुरस्कार से राधेश्याम बारले जी को सम्मानित किया गया। आप बताते हो कि आप मना डॉक्टरी भी करे हो MBBS पत्राचार के माध्यम से, और डॉक्टरी के जो डॉक्टर के धर्म होते वो सेवा धर्म होते, और वो भी सेवा धर्म है, और बाबा गुरु घासीदास के संदेश भी देना वो सेवा धर्म है, और किथे ना स्वच्छता ही सेवा है। तो आज महात्मा गांधी के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जो जन्म दिन है वो ला स्वच्छता ही सेवा के रूप में हम पूरा देश में मनावत हन, और पूरा देश ला स्वच्छ कराए बर हम ठाने हन। तो ये बात ला आप बताते हो कि पंथिक माध्यम से कैसे आप मन स्वच्छता के बात लकित हो, सेवा के बात लकित हो, स्वच्छता ही सेवा है, ये ला बताते हो। पंथी नृत्य में तो ऐसे सेंट्र राज्य स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के जन प्रचार प्रसार गीत अपन जन कल्याणकारी, चाहे स्वच्छ भारत अभियान के बात हो, चाहे बेटी बचाओ के बात हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बात हो, चाहे साक्षरता के बात हो, चाहे आयोडीन युक्त नमक के बात हो, भारत सरकार के छत्तीसगढ़ शासन के सबो जन कल्याणकारी कार्यक्रम ला हमने पंथी गीत और नृत्य के माध्यम से 1999 से चालू करके निरंतर अभी तक हमने जन कल्याणकारी योजना ला लेके गांव-गांव में जाके प्रयास
करथन और पंचायत पंचायत गांव गांव शहर शहर में भी जन कल्याणकारी योजना ला के काम ला हमन करे हन। अभी रहा सवाल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 2 अक्टूबर के अवैया है, 2 अक्टूबर के हरे, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता ही हमार मिशन हरे। स्वच्छ हम सब स्वच्छता की ओर एबो, स्वच्छता की ओर ध्यान देबो और हमार आस पास पारा मोहल्ला भी साफ सफाई में विशेष ध्यान दी तो निश्चित ही हमला कोनो प्रकार के बीमारी रोग राई हमार तीर में नहीं होती। माँ भारती की स्वर्णिम माटी हमें है चंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। वे धन्य है जो जन्मे इस पावनी धरा पर, सुखदायिनी धरा पर, वरदायिनी धरा पर। लेकिन ये धरा सुखदायिनी और वरदायिनी तभी रहेगी जब हम अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखेंगे और इसी महत्वपूर्ण संदेश को दुनिया तक बिखेरने का कार्य कर रहे हैं पद्मश्री राधे श्याम बारले जी अपने पंथी गीत के माध्यम से भी, जिसमें ना केवल सत्य की आराधना है बल्कि समाज को नई दिशा देने वाले जन कल्याणकारी विषय भी शामिल है, जिसे वे बड़े ही मनोरंजक ढंग से लोगों के सामने रखते हैं, जिससे लोगों को संदेशा भी मिलता है और उनका मनोरंजन भी होता है। स्वच्छता ही सेवा है। अपना घर और आस पड़ोस इनकी साफ सफाई करना हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है। बारले जी, माननीय प्रधानमंत्री है चाहते कि हमारे देश पूरा साफ सफाई रहा है, स्वच्छ रहा है, निर्मल रहा है और वो है घर घर में शौचालय बनवाई, वो शौचालय के उपयोग बराबर निरंतर चलत रहा है। तो ये बात ला वो ध्यान रखी कि लोटा लेके भाई मन जाए, लोटा लेके महिला मन जाए, बल्कि वो मन हाँ शौचालय जाए बर ये करें कि दिन डूबे के प्रतीक्षा करें बिचारी मन। तो ये बात ला आज घर घर शौचालय हो गए और साफ सफाई की बात ला माननीय प्रधानमंत्री जी है हमला संदेश दे है कि पूरा देश आज साफ सफाई हो। तो जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से वो स्वयं अपन शौचालय साफ करें तो हमरो धर्म होते कि हम अपन गांव गली अपन आस पास ला सफाई रखबो। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम करे है वो कर बारे में आपके क्या विचार है? ये तो बहुत अपन अच्छा प्रश्न करे हो। जैन हमारे देश के लाडला सपूत और भारत देश के सबसे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जिन काम करे है, सन 2014 से जिन काम करते हैं, तुलनीय काम करते हैं, जिन देश विदेश में पूरे विश्व स्तर में माननीय मोदी जी के लोहा माना थे, आज माननीय मोदी जी चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे ODF के बात हो, गांव-गांव में घर घर में सुलभ शौचालय बना के काम करे और हमारे मातृशक्ति मतलब सम्मान दे के काम हमारे जन उनको कोई करे है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी करे है। और ODF के साथ साथ में मातृशक्ति सम्मान के साथ में हमारे स्वच्छता अभियान जो स्वच्छ भारत मिशन जन ले चल थे पूरा दुनिया भर में, हम माननीय मोदी जी के सपना हरे कि हर गांव शहर, गांव गांव शहर शहर, पारा मोहल्ला एक स्वच्छ शहर रहा, स्वच्छ ग्रामीण अंचल रहा, स्वच्छ हमारे पंचायत रहा, जिला रहा, ऐसे माननीय मोदी जी के सपना हरे। बहुत शानदार जानदार ऐतिहासिक विचार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी करे है। और चूँकि हमर गांव, हमर समाज अगर स्वच्छ रही, हमर तरिया नरवा स्वच्छ रही, घाट घटौंदा स्वच्छ रही, हमर पास में बीमारी भी हमर पास में नहीं छू सके, ऐसा माननीय मोदी जी के सपना हरे। हमन अपन पंथी तर्ज में गीत भी अच्छा अच्छा गाथन, उनमें एक मुखड़ा एक बानगी आप लोग मैं सुना था। सजा के रखियो भैया मोर गांव गाली खोर, सजा के रखियो दीदी मोर गांव गाली खोर, ये सजा के रखियो दीदी मोर गांव गाली खोर, सफाई रखियो भैया मोर गांव गाली छोर। वाह, बहुत अच्छा बात कहे हो बारले जी आप मन। बारले जी ये बताते हो कि आज भी हमर भाई मन है ना मां चेतत नहीं है, लोटा लेके चले जाते या तालाब के किनारे, नाला के किनारे या नदी के किनारे बैठ जाते और शौच करते, ये अच्छा बात नो है। और हमर जो बहिनी मन है वो मन हाँ शौचालय के उपयोग बराबर करते हैं, वो मन लोटा लेके जात नहीं है, तो ये बात ला भाई मन भी जानना चाहिए। तो ये बताते हो कि आप वो कर बारे में क्या ख्याल है आप? ये तो माननीय मोदी जी के सपना रही से कि घर घर शौचालय होए और ODF के माध्यम से हमार माता मल्ला बहिनी मल्ला बाहर में निकले की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमारे भाई मन से बड़े बुजुर्ग मन से भी हम निवेदन करबो कि अपन घर में बने शौच के शौचालय के उपयोग आप मन जरूर करूँ और
हमर सम्मान ला हमर मातृमन के सम्मान ला मातृशक्ति मन के सम्मान ला उम्मीद इजाफा करो। हम सब मन है जागरूक होवन और कुछ कुछ हिस्सा अभी भी बचे है हल्का फुल्का जन है जिन गांव पंचायत सुदूर गांव के सुदूर अंचल में अभी भी कुछ कुछ है इलाका हवे जिनका इक्का दुक्का भी जाते। लेकिन एक दिन ऐसे आई जब हमारे जैसे छोटे छोटे कलाकार मन है प्रचार प्रसार करत जाबो और माननीय मोदी जी के संदेश ला घर घर तक पहुँचाबो तो निश्चित ही पूरा हमारे 100% ODF के काम और घर में शौचालय करे के काम उपयोग के काम ला जरूर करी। कला संस्कृति को अपना जीवन सौंपने वाले, स्वच्छता और अपने कर्म को अपना धर्म मानने वाले पद्मश्री राधेश्याम बारले जी के कारण ही छत्तीसगढ़ का नाम विश्व पटल में पहुँचा है। छत्तीसगढ़ की माटी की महक विश्व भर में बिखेरने के साथ वे पंथी के जरिए स्वच्छता का संदेश भी लोगों को देते हैं और लोगों के मन और शरीर को अपने लोक गीत के जरिए स्वच्छ करते हैं, क्योंकि स्वच्छ मन में देवता वास करते हैं और स्वच्छ मन से किया गया कार्य हमेशा फलित होता है। इधर उधर जन फेंको भैया दुवारे के कचरा ला, स्वच्छता भाई बहनी मोहल्ला में आते दिया रिक्शा में कचरा ला, स्वच्छ रही हमारे पारा मोहल्ला, स्वच्छ रही हमारे गाँव, स्वच्छ रही हमारे छत्तीसगढ़, स्वच्छ भारत देश, स्वच्छ भारत देश होता है बार बार सब बोलो भारत माता की जय। स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छता ही सेवा है। घरे कुरिया के करहु सफाई इही में सब जन के भलाई, घरे कुरिया के करहु सफाई इही में सब जन के भलाई, घरे कुरिया के करहु सफाई इही में सब जन के भलाई, घरे कुरिया के करहु सफाई इही में सब जन के भलाई, इही में सब जन के भलाई, भैया मोर गाँव गाली खोरला, सजा के रख भैया मोर गाँव गाली खोरला, ये गाँव गाली खोरला जी गाँव गाली खोरला। स्वच्छता पखवाड़ा या स्वच्छता ही सेवा अभियान कोई मनोरंजन का हिस्सा नहीं है, ये जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि स्वस्थ रहने और शांति से जीवन जीना हर एक प्राणी चाहता है। इसके लिए घर के बड़े बुजुर्ग और माता पिता और बच्चों को इसकी आदत को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि वे सभी स्वच्छता के महत्व को समझे। स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जी के 145वीं जयंती पर चलाया गया एक महत्वपूर्ण अभियान है। बाबा गुरु घासीदास के जो संदेश है, बोला आप मन देश में विदेश में लेके गए हो, बाबा के बहुत आदर्श है, बाबा पूजनी है, जेकर संदेश मतलब किथे कि सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद झंडा, सफ़ेद मतलब पूरा सात्विक जीवन जिए बाबा, और बाबा के संदेश और बाबा की जो पंथ में आप चलत हो, जो पंथीला लेके चलत हो, वो हर केवल गीत संगीत नो है, बल्कि वो एक तरह के संदेश देते हर चीज़ के। तो ओला बताते हो कि वो कर संदेश लग कैसे ढंग के आप मना आत्मसात करते हुए आप मना देश विदेश में बगरावत हो। और एक बात और है कि जो ODF के बात है,
एक कहे गए कि स्वच्छता ही सेवा है, तो स्वच्छता ही सेवा है ये बात हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कहा थे कि स्वच्छ रहो, साफ रहो, घर में जो सोखता बनाओ और घर के पानी बाहर मत आवाए। बाहर में जब पानी आते तो कई तरह की बीमारी होते, तो ये सब बात ला आप विस्तारपूर्वक बताते। बहुत बढ़िया बात है कि हमारे संत शिरोमणि परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास के उपदेश संदेश और जीवन दर्शन और बताए हुए मारागला मनखे मनखे एक समान जैसे संदेश विश्व बंधु तरीके जान जन बता के काम करे हमारे बाबा गुरु घासीदास जी सचमुच में अद्भुत है, अतुलनीय है। और वही संदेश ला जैन संदेश ले बाबा जी मानव मानव एक समान के रास्ता हमें बताई से सत के संदेश ले बताई से और मनखे मनखे ला जान सके भाई के समान जैसे संदेश बताई से और झूठ छुआ छूत झूठ और लबारी छल प्रपंच और सात्विक के जन रास्ता हमारे बाबा जी बताए है। उसने हमार माननीय मोदी जी भी जैन देश के प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी वो भी हमारे स्वच्छता लले के स्वच्छ ही सेवा है स्वच्छता ही सेवा है के नारा लगाई से और वो नारा के बिल्कुल हमला भली फलीभूत करना है बिल्कुल सार्थक करना है। पहली ओडिया जब चालू हुई से नहीं रही से तब माता मन बहली मन गांव में के बाहर जावे शौच करे बर लेकिन हमर मन की इज्जत मान सम्मान ला हमार मातृशक्ति मन के सम्मान ला बढ़ाए बर घरों घर ओडिया के काम करी से शौचालय बना के काम करी से माता मन बहनी मन सब समझ चुके हैं लेकिन अब बारी है हमार युवा संगवारी मन के हमारे बड़े बुजुर्ग सियान मन के गांव में कुछ परसेंट है जिन है अभी भी शाम शाम के कोई भी समय नाला के आसपास में नाली के आसपास में तालाब के आसपास में जाते उनका सबो भाई मन से मोर निवेदन है जिन जाते तिनकर मन के लिए और जिन भविष्य में जाना भी नहीं है चूँकि हम सबके सम्मान हमार मन के सम्मान हमार माता बहनी मन के सम्मान हमार सबके सम्मान हरे हमार राज्य के सम्मान हरे हमार देश के सम्मान हरे ये सम्मान ला आगे बढ़ाना है। और आप सबसे विनम्र आग्रह करता हूँ मैं अपील करता हूँ कि अवैया समय में ऐसा सुनेला देखे भर मत मिला तो निश्चित ही आप अपन घर के शौचालय में उपयोग करो और मान सम्मान ला हमेशा बनाए रखो। रोजमर्रा की जिंदगी में हम कई प्रकार की गलतियाँ करते हैं जैसे अपने आसपास गंदगी करना, लेकिन इन गंदगियों को साफ करके यानी अपने द्वारा फैलाए गए कूड़े को उठाकर उन्हें कचरे के पेटी में डालकर कूड़ेदान में डालकर हम अपनी गलतियां सुधार सकते हैं क्योंकि अपनी गलतियां स्वीकार करना झाड़ू लगाने के समान ही है जिससे हम एक बेहतर इंसान बनते हैं। और वैसे भी साफ सफाई बनाए रखना केवल सफाई मित्रों का कार्य नहीं है, ये हमसे ही शुरू होता है। तो अभी से बन जाइए स्वच्छ भारत के स्वच्छ मन वाले आत्मनिर्भर इंसान और अपनी सुंदर मन से पद्मश्री श्री राधे श्याम बारले जी की तरह अपने अपने कार्यों के माध्यम से समाज की सेवा करते रहिए और इस बात के अर्थ को समझिए कि स्वच्छता ही सेवा है। धन्यवाद भैया जी। धन्यवाद भैया जी। धन्यवाद। आपके जो गीत स्वच्छता ही सेवा है ये विषय के गीत मैं सुने ना तो आनंद आ गए। आप ला और आपके पूरा टीम ला मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आपके नाम ला आपके काम ला संगवारी हो अतेक अच्छा भाई राधेश्याम बारले जी हा पद्मश्री है। गांव गांव अलग जगावत है, प्रदेश में अलग जगावत है, देश में अलग जगावत है। पंथी के माध्यम से स्वच्छता ही सेवा ला तो एक लिए मैं आप ला प्रणाम करता हूँ संगवारी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी धन्यवाद। हमारे पूरा दूरदर्शन टीम लोग भी धन्यवाद। और साथ ही साथ बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ला दिल से धन्यवाद, हृदय से आभार। पूरा टीम के तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद है। धन्यवाद संगवारी हो। अवैया अंक में फिर एक नया बात लेके आबो, स्वच्छता के बात लेके आबो। तब तक हम ला दो विदा। जय जोहार, जय सतनाम, जय जोहार। जय सतनाम, जय जोहार।